जम्मू कश्मीर में एक और देशभक्त जवान शहीद हुआ है। घबराए बौखलाए आतंकियों ने फिर काराना हरकत को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार की हत्या कर दी गई है। शोपियां से जावेद को अगवा किया गया था, कुलगाम में उनका शव मिला। सेंट्रो कार से आए आतंकियों ने जावेद डार को अगवा किया। जावेद डार शोपियां में पूर्व एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा के साथ तैनात थे। लोगों में दहशत फैलाने के लिए बौखलाए आतंकियों ने हरकत की है। जावेद डार को आतंकियों ने उनके घर के बाहर से अगवा किया था। शहीद कांस्टेबल जावेद अहमद डार को शोपियां में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जावेद डार को हथियारों की नोक पर अगवा किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे बड़े जालिम और दरिंदे कोई लोग हैं, आतंकवादी हैं, पत्थरबाजी बाज हैं और अलगाववादी हैं, और इन सबको चुन चुन के मौत के घाट उतारेंगे। इसे मैं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी विफलता मानता हूं। अब मैं राजनीतिक इच्छा शक्त बीजेपी में ना आतंकवाद से लड़ने की कभी थी ना है। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स वाला हो, चाहे आम शहरी हो, तो मेरे ख्याल में खून खराबा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा मार खाई है, नुकसान हुआ है, अमरनाथ यात्रा है, इस पर भी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है।